हाय एवरीवन, कार्ड एकेडमी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे कार्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस के लिए आइडियल है, यानी कि ऐसे कार्ड्स जो फॉरेन ट्रांजैक्शंस पर कम मार्कअप फी चार्ज करते हैं कंपेयर टू अदर कार्ड्स, और ऐसे कार्ड्स जो कोई मार्कअप फी ही चार्ज नहीं करते। उससे पहले चलिए ब्रीफली समझते हैं कि फॉरेन ट्रांजैक्शन फी होता क्या है। तो जब भी आप किसी फॉरेन कंट्री में अपना कार्ड यूज करते हैं, यानी तो फॉरेन करेंसी में ऑनलाइन परचेस करते हैं एक फॉरेन मर्चेंट से, तो बैंक और कार्ड इशूअर उस पर एक फी चार्ज करते हैं जिसे मार्कअप फी कहा जाता है, और ये चार्ज जनरली 1.5 से 3.5% के बीच होता है। ऑल्दो ये चार्ज एक दो ट्रांजैक्शंस में इतना कुछ ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन सपोजिंग अगर आप किसी फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं तो उन सारे एक्सपेंसेस पर ये एक्स्ट्रा चार्ज टोटल में बहुत ज्यादा हो जाता है। और इसलिए ऐसे सिचुएशंस में सही कार्ड यूज करना इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको फॉरेन ट्रांजैक्शंस पर एक्स्ट्रा पैसे या ज्यादा फी पे ना करना पड़े। अभी तो सिर्फ ऐसे टोटल में दो ही क्रेडिट कार्ड्स हैं जिसपे जीरो मार्कअप फी चार्ज होता है, और वो है एक्सिस बर्गंडी प्राइवेट बैंकिंग वन क्रेडिट कार्ड और आरबीएल बैंक वर्ल्ड सफारी क्रेडिट कार्ड। एक्सिस बर्गंडी प्राइवेट कार्ड एक अल्ट्रा प्रीमियम कार्ड है, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये सिर्फ एक्सट्रीमली हाई एनुअल इनकम वालों के लिए है। तो टेक्निकली अभी जनरल पब्लिक के लिए सिर्फ एक ही क्रेडिट कार्ड है जिसपे जीरो मार्कअप फी चार्ज होता है, और वो है आरबीएल बैंक वर्ल्ड सफारी क्रेडिट कार्ड। पर यहाँ भी एक प्रॉब्लम है, और वो ये है कि ये कार्ड सिर्फ मास्टर कार्ड प्लेटफॉर्म पर है, और आरबीआई के मास्टर कार्ड पर रिस्ट्रिक्शन के बाद आरबीएल इस कार्ड को इश्यू नहीं कर रहा है। होपफुली आरबीएल या तो इस कार्ड को वीजा प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर दे, या मास्टर कार्ड पर जल्दी रिस्ट्रिक्शंस हट जाए जिससे कार्ड होल्डर्स एक ऐसा कार्ड ले पाए जो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस के लिए एक आइडियल कार्ड है। लेकिन फिर भी अब हम एक प्रीपेड कार्ड के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि स्पेसिफिकली फॉरेन ट्रांजैक्शंस के लिए है और स्टूडेंट्स के लिए बनाया है, और इस पे जीरो मार्कअप फी लगता है, और वो है नियो ग्लोबल कार्ड बाय डीसीबी बैंक, जो कि स्टूडेंट्स जो फॉरेन कंट्रीज में अपने स्टडीज करते हैं उनके लिए बेस्ट है, और इस पे आप इजीली यूपीआई नेफ्ट या आईएमपीएस के थ्रू पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अब्रॉड आप इसको एक नॉर्मल डेबिट कार्ड जैसे यूज कर सकते हैं जिससे आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस और पैसे विद्रॉ कर सकते हैं बिना कुछ फॉरेक्स फी के स्ट्रेस के। इसी बात पे हम एक ऐसे डेबिट कार्ड के बारे में मेंशन करेंगे जिसपे जीरो मार्कअप फी लगता है, और वो है इंडसइंड बैंक सिग्नेचर एक्सक्लूसिव डेबिट कार्ड। लेकिन इस कार्ड की ज्वाइनिंग फी एक नॉर्मल इंडसइंड बैंक के कस्टमर के लिए है ₹5,000 प्लस टैक्सेस, जो कि काफी ज्यादा है। पर अगर आप इंडसइंड एक्सक्लूसिव अकाउंट होल्डर है तो आपको ये कार्ड ₹299 प्लस टैक्सेस की ज्वाइनिंग फी के साथ मिल जाता है। स्टिल अगर आप काफी ज्यादा फॉरेन ट्रांजैक्शंस करते हैं तो ये कार्ड एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इस कार्ड पर डेबिट कार्ड होते हुए भी ठीक रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, और हम जल्द ही इस कार्ड पर एक डिटेल वीडियो लेकर आएंगे। अब हम थोड़े ऐसे क्रेडिट कार्ड्स की डिस्कशन करेंगे जिनका मार्कअप फी रिलेटिवली लो है और थोड़े कार्ड्स में कैशबैक या रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं। पहला है यस फर्स्ट एक्सक्लूसिव क्रेडिट कार्ड और यस फर्स्ट प्रेफर्ड क्रेडिट कार्ड। दोनों ही कार्ड्स पर आपको 1.75% प्लस टैक्सेस का मार्कअप फी लगता है फॉरेन ट्रांजैक्शंस पर, लेकिन इन दोनों कार्ड्स पर आपको कोई कैशबैक या रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलते। और हमने यस फर्स्ट प्रेफर्ड क्रेडिट कार्ड पर एक वीडियो बनाया है कुछ ही दिनों पहले, जिसे आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो हम ये दोनों कार्ड्स आपको रेकमेंड नहीं करेंगे क्योंकि इन कार्ड्स पर जीरो मार्कअप फी नहीं है फॉरेन ट्रांजैक्शंस पर, और फॉरेन ट्रांजैक्शंस को छोड़कर इन कार्ड्स पर कुछ और खास बेनिफिट्स नहीं मिलते। अब हम एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड्स की डिस्कशन करते हैं जिसपे भी मार्कअप फी कम है और साथ साथ इंटरनेशनल स्पेंड्स पर रिटर्न्स भी मिलते हैं। लेकिन उससे पहले हम एचडीएफसी बैंक के इंटरनेशनल ट्रैवल पर एक ग्लोबल वैल्यू प्रोग्राम की डिस्कशन करेंगे, जिसे कुछ एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू लेने पर आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पर कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। पहला हो गया वेलकम या रिन्यूअल बेनिफिट, जिसमें आपको 500 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं पहले इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पर, और आपको ये फीचर साल में एक बार मिलता है। दूसरा हो गया कैशबैक बेनिफिट, जिसमें आपको सारे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पर 1% कैशबैक मिलता है, और आप एक स्टेटमेंट साइकिल में मैक्सिमम कैशबैक ₹1,000 का पा सकते हैं। तीसरा हो गया माइलस्टोन बेनिफिट, जिसमें आपको ₹2,000 के वर्थ का यात्रा वाउचर मिलता है जब आपका इंटरनेशनल स्पेंड ₹1.5 लाख क्रॉस करता है एक साल में, और इस प्रोग्राम का एनुअल फी ₹200 प्लस टैक्सेस, और इसे सिलेक्ट एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड्स पर एक्टिवेट कर सकते हैं कस्टमर सर्विस को कॉल या एसएमएस करके। तो ये हमारे हिसाब से एक अच्छा प्रोग्राम है जो लोग काफी फॉरेन ट्रांजैक्शंस करते हैं उनके लिए। अब चलिए बात करते हैं दो एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड्स के बारे में जिनका मार्कअप फी लो है और जिसपे ये ग्लोबल वैल्यू प्रोग्राम आप एक्टिवेट करके फॉरेन ट्रांजैक्शंस का फी मिनिमाइज कर सकते हैं। तो वो दोनों कार्ड्स है एचडीएफसी इंफिनियम मेटल कार्ड और एचडीएफसी डायनर्स क्लब ब्लैक कार्ड, और ये दोनों ही कार्ड सुपर प्रीमियम कार्ड्स है। हमने एचडीएफसी इंफिनिया मेटल कार्ड और डाइनर्स क्लब ब्लैक वर्सेस इंफिनिया कार्ड्स पर वीडियोस बनाई हैं, जिसे आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। दोनों कार्ड्स पर फॉरेक्स मार्कअप फी है 2% प्लस टैक्सेस, और दोनों कार्ड्स पर ग्लोबल वैल्यू प्रोग्राम के बेनिफिट्स के ऑप्शन के अलावा आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पर 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं हर ₹150 के स्पेंड्स पर, जो कि अच्छा है। और क्योंकि इन कार्ड्स पर आप 1 पॉइंट की वैल्यू ₹1 तक ले सकते हैं बाय रिडीमिंग पॉइंट्स ऑन ट्रैवल्स
सस्पेंस, तो आपका फॉरेक्स मार्कअप फी तो रिकवर हो ही जाता है। इन कार्ड्स का प्रॉब्लम ये है कि इन्फिनिया कार्ड सिर्फ लिमिटेड HDFC कस्टमर्स को मिलता है और डायनर्स क्लब ब्लैक कार्ड अभी इश्यू नहीं हो रहे हैं RBI रिस्ट्रिक्शंस के कारण। एक और कार्ड जिस पर आपका ऑलमोस्ट फॉरेक्स मार्कअप फी रिकवर हो जाता है वो है Amex प्लैटिनम चार्ज कार्ड, जिसका फॉरेक्स मार्कअप फी है 3.5% प्लस टैक्सेस, लेकिन आपको 3x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस पर। अब कंक्लूजन में हम यही बोलेंगे कि फॉरेक्स मार्कअप फी एक डिसाइडिंग फैक्टर होना चाहिए अगर आप फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस ज्यादा करते हैं। अगर आप करते हैं तो आप नियो ग्लोबल कार्ड या इंडसइंड बैंक सिग्नेचर डेबिट कार्ड के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपको क्रेडिट कार्ड ही चाहिए तो आप ऐसा कार्ड देखिए जिसपे फॉरेक्स मार्कअप फी या तो जीरो हो, यानी तो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस पर कैशबैक या रिवॉर्ड पॉइंट्स को इंक्लूड करके आपका नेट मार्कअप फी जीरो या क्लोज टू जीरो पड़े। एक और चीज जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है वो ये है कि आप जिस भी बैंक का कार्ड यूज कर रहे हैं उनका करेंसी कन्वर्जन रेट चेक करें। अगर किसी बैंक का करेंसी कन्वर्जन रेट अच्छा नहीं है पर आपको 0% फॉरेक्स मार्कअप फी दे रहे हैं तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। और यहाँ खत्म होता है हमारा डिस्कशन ऑफ दिस टॉपिक। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। व्हाट कार्ड्स वुड यू लाइक टू यूज ऑन योर नेक्स्ट ट्रैवल अब्रॉड? Comment away and let us know. And last but not the least, if you've enjoyed watching this video, then please hit the like button and share it with your friends and family. And for latest news, updates, reviews, credit card comparisons, and much more, please subscribe to our channel and hit on the bell icon so you never miss any updates. Until next time.